गोहाना के देवीलाल चौक के पास स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में आज स्वर्गीय पत्रकार रवि नारंग की तीसरी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज सेवी बलजीत दांगी, प्रोफेसर श्रीता मलिक व अन्य गणमान्य हस्तियों ने रवि नारंग के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समाज सेवी बलजीत दांगी, प्रोफेसर श्रीता मलिक ने रक्तदाताओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं उन्होंने रवि नारंग के परिवार से बात कर उन्हें हिम्मत के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया और हमेशा साथ देने का भरोसा दिलाया। इस दौरान रवि नारंग के परिवार द्वारा समाज सेवी बलजीत दांगी, प्रोफेसर सरिता मलिक को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान समाज सेवी बलजीत सिंह दांगी और प्रोफेसर सरिता मलिक ने मीडिया से बात करते हुए पत्रकार रवि नारंग को याद किया और उनके द्वारा समाज में जागरूकता लाने के लिए दिए गए योगदान की सराहना की और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। ऐसे होनहार पत्रकार का हमारे बीच ना होना ये अत्यंत दुखद है, परंतु सुखद अनुभूति उसी समय ये है कि उनकी स्मृति में ये रक्तदान शिविर लगाया गया है और युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत है कि आप इस दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं, सबके दिल में जिंदा रहते हैं और आपके रक्त की एक एक बूंद और दुनिया को और युवाओं को और बुजुर्गों को, बच्चों को, हर इंसान को एक नया जीवन दे सकती है। तो हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी अगर हम किसी की रगों में खून बन के दौड़ना चाहते हैं, जीते जी भी उनके खून की बूंद बनना चाहते हैं, तो रक्तदान बहुत ज़रूरी है। और मेरा आह्वान है सभी युवा वर्ग से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और यहाँ पर रक्तदान करें और हमारे जो होनहार पत्रकार रवि नारंग जी की स्मृति में ये जो रक्तदान शिविर है इसको सफल बनाएं। ये उनकी माता जी हैं और ऐसे बेटे के जाने के बाद माँ बाप पर क्या गुजरती है ये हम सब समझ सकते हैं, लेकिन उनकी स्मृति में ये एक रक्तदान शिविर करवाया जाना बहुत ही अच्छी पहल है और मैं हरियाणा उत्सव का इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। संस्कृत में एक श्लोक है कि स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम् परिवर्तिनी संसारे मृतः को वान जायते, अर्थात वास्तव में इस संसार में वही पैदा होता है जिसके पैदा होने से कुल, कौम और देश उन्नति करे, वरना इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता और कौन नहीं पैदा होता। तो ऐसे युवा साथी का आप सबके बीच से चले जाना पत्रकार जगत के लिए ही नहीं बल्कि इनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और हर युवा उनके माँ बाप के लिए अगर और इस समाज के लिए, इस देश के लिए अच्छा करेगा तो उनके माता पिता को भी अच्छा महसूस होगा। तो यही मेरी सभी युवाओं से आह्वान है, मेरी विनती है कि आप सभी सद्मार्ग पे चलिए और ऐसे होनहार सपूत के हमारे बीच से चले जाने के बाद भी और युवा वर्ग उनके माँ बाप को एक अच्छा जीवन और इस समाज को एक अच्छा वातावरण दे सकते। पत्रकार नारंग साहब जो है बड़े अच्छे इंसान थे और अच्छे पत्रकार थे और हमारा तो इससे बहुत भारी लाड़ था और इसके उसमें हर साल अब इसकी जयंती पर जो ये रक्तदान शिविर लगाते हैं इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ और बहुत अच्छा काम है ये। रक्तदान तो महादान है, ये तो जीवन बचाता है लोगों का, इसलिए इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता और इनको एक बार फिर जो है साथ देता हूँ। इनको परिवार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इनको परमात्मा जो है सद्बुद्धि दे और शांति दे और उसकी जो तकलीफ इनको हुई है बहुत बड़ी तकलीफ है वो, मगर उसको सहन करने की परमात्मा शक्ति देगा, मेरी यही आशा है परमात्मा। पत्रकार इस देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और ये लोगों को जो अंदर की बातें हैं, बाहर की बातें हैं, जितनी भी खबरें हैं वो लोगों को पेश करते हैं, इसलिए इनको तो सरकार ने बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए और इनकी मैं तो ये कहता हूँ भाई कुछ तनख्वाह या पेंशन तो बहुत ही ज़रूरी है, भाई पेंशन होनी होनी चाहिए और जो एक्सीडेंट वगैरह में या जो ये चले जाते हैं इनको तो कम से कम भी 10 लाख या 20 लाख रुपए का तो कम से कम इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए।
जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।